and respected sir. Today we are celebrating first anniversary of NACS. And I am glad because I have given golden opportunity. Given opportunity to tell something about. And I have given opportunity to a stand-up committee. But first of all, I would like to say something about my school. Our school is doing well in education system. And I have no more words to about my school. But at last, I will say two words. Agar hamare udane dekhni hai, to asmano se kaha do ki apna kar aur uncha kar de. Aur agar shiksha ka mahol karna dekhna hai, to aapse kahe ki aake Nalanda school mein aake milenge. Now I'm going to start a stand-up comedian. Agar aapko acha lage, to please saath mein taaliyon ka swagat bhi hona chahiye. एक बार क्या हुआ, मुंबई के भाई लोगों यानी गुंडे लोगों ने मिलके इकट्ठा प्रोग्राम किया, बोला कि अब भाईगिरी में पहले जैसा मजा नहीं रह गया, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन चेंज हो गए। उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बाबू झलेला, पप्पू कुरला, हटिया, उसमें से एक दौड़ता दौड़ता है, भाई भाई कोई खास बात है, कोई खास बात है, मैं मर्डर करने को जा रहा था, छोड़ के आया हूँ, चलो बैठ जाओ। तो जो इसमें का मेट था वो बोला चलिए बैठ जाइए। भाई ने उसमें से बोला कि अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे, बोल वचन, क्योंकि हम देखे हैं कि प्रवचन में ज्यादा इससे ज्यादा कमाई होता है, बोल वचन पब्लिक को देने का, एड़ा लोग आते हैं, पैर को हाथ लगाते हैं और रुपया पैसा भी दे के जाते हैं, मस्त खाला धंधा है, पब्लिक का भी लोचा नहीं है, पुलिस से भी कोई टेंशन नहीं है, कल से सत्संग प्रवचन स्टार्ट करेंगे। ए पप्पू कुरला देख के कोई अच्छे से स्टेज वेज बुक कर दे, हम वहां पे प्रवचन का स्टार्ट करेंगे। भाई भाई तो वो दौड़ते आया वहां पे, बोला भाई भाई मैं भिंडी बाजार के पीछे एक स्टेज दिखाऊं, उधर बंबू उम्बू गाड़ के प्रवचन स्टार्ट कर सकते हैं। एडी जरा एक कवाली का प्रोग्राम हो रहा है, कोई अच्छा सा स्कूल बुक कर, 5-star होटल बुक कर, वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, प्रवचन का शुरुआत करेंगे। अब स्कूल बुक हो गया, होटल बुक हो गया, सभी पब्लिक आके बैठ गई। उसमें से जो क्या था, जो मेन था, जो प्रवचन देने वाला, उन्होंने बोला ए बाबू झलेला क्या लोग आ गए, भाई मैं पूरा हाउसफुल है, मैंने अंदर से क्या कर दिया है, कड़ी उड़ी बांध दिया है, जब तक प्रवचन खत्म नहीं होगा कोई बाहर से निकलेगा ही नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, कोई अंदर से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। चलो और इधर माइक वाले भैया सुनिए, आपको प्रवचन देते समय आपका माइक बीच में कान कुंकी नहीं बोलना चाहिए, आपके फैमिली को मैं लाडू फिगर बनाती हूँ, पता है ना आपके बच्चे पढ़ते हैं नालंदा स्कूल में, वहीं से उठा लूंगा। ए पर्दा वाला कहाँ गए, पर्दे वाला लोग बोलने का पूरा बंद करने के लिए पूरा बंद करना, ठीक है। ऐसे करके प्रवचन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया और पर्दा खुला आगे से ऐसे करके रेडी हो गए हो और बोलने लगे, प्रथम अध्याय आरंभ करेला जिस समय सीता मैया अपनी खोली में बैठी हुई थी, उधर लंका का भाई कंस आया, बोला माते भिक्षा दे, मला भूख लागला, मैं लखाए ला दिया। ऑडियंस में देख था, बोला महाराज ऑडियंस में से उठा, बोला महाराज त्रुटि हो रही है, मैंने हमको रामायण कंठस्थ है, वो कंस नहीं वो रावण था, एक फुलक में इसको कोपचा में दो चार पिना इसको। बोला इन लोग के चक्कर में हम लोग लाइन से नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे धंधे में आ रहे हैं तो इसको लेने की जरूरी है क्या, इधर ले क्या, ऐसे ही पब्लिक नहीं मानेगी, बीच बीच में सवाल करती रहेगी, ये लो मेरा घोड़ा लो बंदूक लो और इसको कमंडल में रख दो, ऐसे भाई ट्राई किया था कमंडल से इतना निकलेला है, अरे एड़े नारियल फोड़ के ढक्कन पिना, तो ये पब्लिक मानेगी इसको। फिर पर्दा क्या हुआ खुला, द्वितीय अध्याय आरंभ करेला हूं, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, चीर खींचता जा रहा है, चीर खींचने का नाम नहीं, क्योंकि चीर खींच रहा था लंका का भाई कुंभकर्ण
और मालूम है क्यों नई चीज खत्म हो रहा था? क्योंकि उसके पीछे शक्ति थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। अभी कौन बोला? तू बोला, तू बोला। नहीं, मैं पहले वाला हूँ, मेरे बाजू वाला बोला। इसको आपके बारे में नहीं, 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 इसको कहाँ भेजू भाई? दो खंबा खोल के जा पीछे। नहीं नहीं, इसको ला, इसको ला, इससे मैं बात करूंगा। तेरे को मैं एक सत्य छोड़ूंगा, अगर द्रौपदी का चिन्ह दुशासन की जगह कुंभकर्ण करेगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा? पर्दा बंद हुआ, पर्दा बंद हुआ, सभी लोग देख रहे हैं। ए पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, क्या हुआ? तो मालूम नहीं भाई, पुलिस की रेड पड़ी, सब अंदर।